हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी आना हियर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पंजाब में हूँ। मैं मेरी फ्रेंड आशु और मानसी दोनों की शादी अटेंड कर रही हूँ। और मैं पहला दिन से लेके आज तक मैं आई थी 27th ऑफ जनवरी और आज है 31 ऑफ जनवरी। एंड फाइनली आज का दिन है, दोनों प्यार जो है जुड़ने वाले हैं, एक होने वाले हैं। कल था एंगेजमेंट सेरेमनी, आप लोग ने देखा वीडियो। तो आज है शादी के दिन और आज दोनों के कंप्लीट शादी हो जाने वाले हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ। और यहाँ पर पंजाब में ना बहुत ठंडा है, तो मेरा मतलब इतने दिन मेरा पहली बार है वैसे इंडियन प्रॉपर क्या बोलते हैं पंजाबी इंडियन वेडिंग पहली बार अटेंड कर रहा है। तो मुझे मतलब पता नहीं था कि इतना चार पाँच दिन का प्रोग्राम होता है। तो मैं तो 27 से लेके अभी 31 तक करते करते ना हेल्थ थोड़ा सा वो हो गया, जुकाम ये सब हो गया है, ठंडा है बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा खास दिन है मेरे लिए भी, बिकॉज आई एम विटनेसिंग माई फ्रेंड्स वेडिंग। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं हर एक चीज़ें कैप्चर करने वाली हूँ शादी में, क्या हो रहा है, कैसा होता है रसम। आई एम सो एक्साइटेड। तो बने रहिए व्लॉग में, दिस इज़ गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग। तो गाइस, मैं वेन्यू पे हूँ, मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखाती हूँ, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, डेकोरेशन देखते हैं। अभी आशु के फैमिली नहीं आए हैं, आशु और फैमिली जो है वो आने ही वाले होंगे, 9:30 तक आएंगे। अभी 9 बज रहे हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँच गए लड़की वाले पहले, क्योंकि शादी जो है इट इज़ फ्रॉम द ब्राइड साइड और कल एंगेजमेंट जो था वो था आशु के साइड से, तो हम बाद में पहुँचे थे, ऐसा होता है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेडिंग सेरेमनी ऑफ मानसी एंड आशीष एट कैरेट हॉल। तो गाइस, थोड़ी ही देर में अभी फंक्शन जो है शुरू होने वाले हैं, लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मानसी के पापा जी कुछ मानसी के लिए यहाँ पर बोले, ताकि मानसी बाद में इस वीडियो को देख के पता चले कि मानसी के पापा क्या फील कर रहे हैं मानसी के लिए। तो चलिए मानसी के पापा से सुनते हैं मानसी के लिए क्या मैसेज है मानसी के पापा की तरफ से। मानसी अपने घर में खुश रहे और अच्छे से रहे, सबसे मिल के रहे और सबको प्यार दे और प्यार ले। जैसे लाइफ हमारी घर पे चल रही थी, ऐसे उसी घर में जाके अपनी वैसे ही लाइफ बनाए। थैंक यू। और ये भी हमारे से जल्दी जल्दी मिलने आ जाया करे, मैं आशु को भी कहूँगा। और आशु एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा उसके लिए, और मानसी आशु के लिए अच्छी वाइफ साबित होगी और दोनों अच्छे मिलजुल के रहेंगे। गाइस, वी हैव मानसी की मम्मी जी, आप प्लीज बताइए आपको आज कुछ मैसेज देनी है अपनी बेटी को। हर माँ का एक सपना होता है कि अपनी बेटी जो है एक दिन शादी हो जाए, तो आज वो दिन है, बहुत ही खास दिन है आपके लिए, सबके लिए, मानसी के लिए। तो आप क्या महसूस कर रहे हो और क्या मैसेज देना चाहते हो मानसी और आशु को, ताकि उन लोग बाद में ये वीडियो जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपने कुछ छोड़ा है उनके लिए इस वीडियो पे। तो प्लीज़ बोल दीजिए। हाँ, आज मेरी बेटी की शादी है के साथ, हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे अपने मम्मी पापा के साथ और ऐसे ही हंसते खेलते और अच्छी सी उनकी लाइफ चले, हमेशा खुश रही, यही ब्लेसिंग है हमारी उनसे। और आशु के लिए कुछ बोलना चाहते हो आप आशु को? हम आशु को कहेंगे कि हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे, उसके साथ हमेशा हंसते खेलते रहे और सभी परिवार हंसता खेलता रहे। ओके। तो गाइस, वी हैव मानसी के वन एंड ओनली ब्रदर राहुल, आज आपकी बहन की शादी है, आपको कुछ मैसेज देना है मानसी के लिए, आपकी बहन के लिए। मानसी बहुत ही अच्छी लड़की है और आशीष भी काफ़ी बहुत अच्छा लड़का है, तो दोनों खुश रहेंगे। आज उनकी मैरिज है और थोड़ी देर में आशीष भी आ गया, तो नेक्स्ट आपको बताएगी है ना, तो कैसे कैसे फंक्शन आ रहे। दोनों हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में सदा मतलब हंसते रहें, बस यही कहना चाहूँगा। तो हाय गाइस, सबका अभी तो मानसी के मम्मी पापा और राहुल का मैसेज मैंने कैप्चर कर लिया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कैप्चर करने में आता। एक्चुअली तीनों ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फंक्शन शुरू होने से पहले देखा
एक्सप्रेस टू मच, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सबको हाई हेलो करना है, सभी से मिल रहा है, मिलजुल रहा है, फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं. तो एनीवे आई एम ग्लैड कि मैंने थोड़ा सा उन लोगों के मैसेज मानसी और आशु दोनों के लिए रिकॉर्ड किया है. तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या हो रहा है और फंक्शन में वन बाय वन रिकॉर्ड करूँगी. लेट्स गो इनसाइड. फाइनली भारत वाले आ गए हैं, अभी हम भारत वाले को वेलकम करेंगे यहाँ से. तो गाइस भारत की आवाज यहाँ तक आ रहे हैं, सुन रहा होगा आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है. वी आर ऑल सो एक्साइटेड, हम लोग सब वेट कर रहे हैं उनके वेलकम करने के लिए. तो चलिए रुकते हैं उनके वेलकम के लिए. हेलो, सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब लोग वेट कर रहे हैं. यहाँ से आते ही होंगे अभी. ओहो देखिए, so excited. ओहो ये देखिए आई रे, ये बारात पहुंच गए. Hello, she's from Assam. Assam Borpeta, and her husband. बहुत बार लगी रहे फाइकी ने. तो गाइस फाइनली बारात आ गए हैं और अभी मैं और मानसी के सारे बहनों कजिन बहन है, हम लोग रिबन लगाएंगे. रिबन को जो है भारत जो आ गए आशीष वो कट करेगा, लेकिन कट करने नहीं देंगे ना बहन लोग. हाँ. क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे. अच्छा, और कब कट करने देंगे, जब तक पैसे नहीं देंगे. अच्छा चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी हम रिबन लगाएंगे. चलिए, रहा रिबन तैयार है और मानसी के सारे कजिन बहने यहाँ पे रुके हैं रिबन लेके. अभी आशु आते ही होंगे. देखिए गाइस आशु आ गया मेरे रात तू कटे आना कर, तेन कटन दूंगा. नहीं मेरे मुझे नहीं करनी होंगी सारा, तू सुर बनी मैं कहने जाऊंगा. दंदा के डॉक्टर तो नहीं है, करा रहे हैं. ਦਸਾਂ ਦੀ ਲੈ ਆ ਗਏ ਬਰਫੀ ਮੂਰੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਚਲੋ ਖੜ ਜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ 51000 ਹੋਣੀ ਆ ਜਾ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹਿਨੋ ਕੀ 51000 ਓਨਲੀ ਤਬੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇਗੀ ਉਨਕੋ ਸੀਜ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਜ਼ਰ ਕਾਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ
डिजिटल करंसी 110 ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜਦੀ ਓ ਯਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਵਾਈ चलो दिल बढ़ाना चाहिए पैसे नहीं चाहिए गाइस फाइनली अभी बारात अंदर आ रहे हैं पैसे मिल गए नहीं मिले बहनों के दिल भरे है ना दिल भरे है ना आशु गाइस अभी ब्राइड की एंट्री होने वाले हैं चलिए वेलकम करते हैं ब्राइड को मानसी को मॉर्निंग गाइस सुबह की 7:30 AM हो रहे हैं 1 February रात भर शादी हुआ मतलब पंडित जी ने टाइम निकाला मुहूर्त निकाला था अराउंड 2 AM to 4 AM का जो 7 फेरे होते हैं वो तो वैसे करते करते सुबह हो गया है अभी आशु लोग पहुंचते ही होंगे हम लोग पहले पहुंच गए उनको वेलकम करेंगे अभी मानसी आशु के घर पहली बार अभी आएंगे तो चलिए वेट करते हैं उनके लिए आई एम सो एक्साइटेड और आशु के घर भी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर पटियाला पे हम लोग अभी लुधियाना पे शादी हुआ था हम पटियाला आए 2 घंटे लगते हैं डिस्टेंस जो है ये देखिए आशु का घर शादी वाला घर कितना सुंदर से डेकोरेशन किया है हम यहाँ बाहर रुके हैं यहाँ से बस साथ ही होंगे आशु के भाई जो है दरवाजा खोलने नहीं दे रहा है पैसे दिया फिर खोल नहीं दिया दरवाजा
दारा ज्यादा ना सिरे चढ़ दे मैं कहना ज्यादा ना सिरे चढ़ दे एक मिनट सामने देखे तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये घर के बड़े पूर्वजों ने किया रखा है जो अब नहीं रहे तो उनके ब्लेसिंग लेने के लिए इस तरफ मुंह करके दोनों इस तरफ बैठे हैं यहाँ से अभी यहाँ पर रस्म हो रहा है गुलगुले खिला रहे हैं माने कली भुखी ग्राया लै लेने माने कलिया भुखा ग्राया लै लेने खिचड़ी नहीं बहू को नहीं दुल्हन को खिचड़ी खिला रही है मदर इन लॉ अने कलिया भुखा ग्राया कलिया भुखा ग्राया लै ले माल खादी भी ने माने कली बुकी ग्राइया लै लेंदे ने फटाफट खाई जांदी है तड़का नहीं होना चाहिए बस बड़े थोड़ी जो बस और भर के नंद हाँ रब ने बना दी जोड़ी बोलते हैं ना वैसे ही मेरी यही दुआ रहेगी कि दोनों की जोड़ी हमेशा खुशी से ही सलामत रहे और बस इतना ही इस ब्लॉग के लिए होप आप लोगों को अच्छा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो